आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मारवाड़ के अंदर बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास। इनसे संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया? राव लूणकरण, जसवंत सिंह, जय सिंह और राणा सांगा। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के शासक लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो बिट्टू सुजा के द्वारा कहा गया। बिट्टू सुजा के द्वारा राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया। अगर पूछे कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा गया, और बिट्टू सुजा के द्वारा कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा गया। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। अगला क्वेश्चन, किसने राव जय श्री रोशन में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा? तो इसका राइट आंसर होगा कलयुग का कर्ण बिट्टू सुजा के द्वारा अपनी पुस्तक राव जय श्री रोशन के अंदर कहा गया, और राव लूणकरण अपनी दानशीलता के लिए इसे कलयुग का कर्ण कहा गया। और उसी तरह बीकानेर के शासक राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपुताने का कर्ण कहा गया। अगला क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं कि बीकानेर के शासक लूणकरण सर, ये मुख्य रूप से संत जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर के शासक बने थे, और इनका शासनकाल 1505 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। और इन्हीं के द्वारा लूणकरण सर झील का निर्माण बीकानेर के अंदर राव लूणकरण के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राव जयसी रोसंद, हाला जालारी, कुंडलिया, हरिरश या भगवत माला। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, राव जयसी रोसंद, जो बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? बिट्टू सुजा के द्वारा राव जयसी रोसंद लिखा गया। इसमें बाबर के पुत्र और हुमायूं का भाई कामरान और बीकानेर के नरेश राव जैत सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है, और ये युद्ध 1534 ईस्वी के अंदर, उस युद्ध को रातिघाटी का युद्ध कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबर के पुत्र कामरान ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर दिया। उस समय बीकानेर के शासक राव जयसिंह के द्वारा भटनेर पर 1534 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया गया था, और उसके बाद में भटनेर दुर्ग को जीत लिया था। किसने? बीकानेर के शासक राव जयसिंह के द्वारा। और उस समय कामरान उस युद्ध को हार जाता है, और उस युद्ध को रातिघाटी का युद्ध कहा जाता है, और ये 1534 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसकी जानकारी हमें राव जयसिंह रोशन नामक पुस्तक के अंदर मिलती है, जिसके लेखक बिट्टू सुजा है। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अब मैं आपको राव जय सिंह के बारे में जानकारी देता हूं कि इनका शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1541 ईस्वी तक बीकानेर के ये शासक थे। बीकानेर के शासक राव जय सिंह जब खानवा का युद्ध हुए उस समय ये बीकानेर के शासक थे, इसलिए 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में बीकानेर से सेना भेजी थी राणा सांगा की सहायता के लिए। और राव जयसी जिनके द्वारा 1541 ईस्वी में पायबा या साहिबा का युद्ध लड़ा गया था, एक तरफ बीकानेर के शासक राव जयसी और एक तरफ मारवाड़ के शासक मालदेव के मध्य पायबा या साहिबा का युद्ध होता है, और इस युद्ध में बीकानेर के शासक राव जयसी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में बीकानेर पर मारवाड़ के शासक मालदेव का अधिकार हो जाता है, और उसके बाद में बीकानेर का मालदेव राठौड़ के द्वारा कुंपा को, यानी कि बीकानेर के दो सेनापति थे, एक तो जेता और एक कुंपा, उस कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाया जाता है। और उसी समय राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है और उनसे सहायता मांगता है। और उसके बाद में 1544 ईस्वी के अंदर गिरि सुमेल का युद्ध होता है, और शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। वो गुरु यानी कि वो गिरि सुमेल का युद्ध जो 1544 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था जैतारण पाली के अंदर। अगला क्वेश्चन,
किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। यानी कि जब जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर एक तरफ मारवाड़ की सेना मालदेव राठौर और उनके दो सेनापति जेता और कुंपा और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी और उनके दो सहयोगी एक बीकानेर के शासक कल्याणमल और एक मेड़ता के वीरमदेव मेड़तिया इन दोनों ने सहायता की थी शेरशाह सूरी की। और इस युद्ध के अंदर जब गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है उसके बाद में बीकानेर के ऊपर उन्हें शेरशाह सूरी का जब अधिकार हो जाता है तो बीकानेर पर किसको सौंप देता है? तो राव जय सिंह के पुत्र कल्याणमल को शेरशाह सूरी सौंप कर वापिस दिल्ली चला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1570 ईस्वी के अंदर नागौर दरबार आयोजित किया था किसने? अकबर ने। और इसी दरबार में बीकानेर के शासक कल्याणमल के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की गई। यानी कि बीकानेर का वह प्रथम शासक था कौन? बीकानेर के शासक कल्याणमल, जिनके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी। कब की गई? 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में। और उसी समय कल्याणमल के दो पुत्र, एक का नाम राय सिंह और एक का नाम पृथ्वी सिंह राठौर, इन दोनों को अकबर की सेवा में भेज दिया था। और उसी समय 1570 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन अगर पूछे कि राजपूताना का वह प्रथम राज्य कौन सा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो वह आएगा आमेर। आमेर के शासक पारमल के द्वारा 1562 ईस्वी के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और उसके बाद में सबसे पहले वैवाहिक संबंध भी आमेर के शासकों ने बनाया था। आमेर के शासक पारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ करवाया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के शासक राय सिंह को यह दुर्ग सौंपा था। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर। बीकानेर के शासक राय सिंह, जिनका जन्म 1541 ईस्वी के अंदर हुआ था, और बीकानेर के शासक राय सिंह जिसका शासनकाल 1574 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक था, और ये दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी। एक तो अकबर के समय भी थे और एक जहांगीर के समय भी थे। अगला क्वेश्चन, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक थे राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह या अनूप सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा मुगलों के साथ संधि करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक, जिसका नाम था राव कल्याणमल, जिनका शासनकाल 1541 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक था। राव कल्याणमल जिन्होंने बीकानेर से खानवा के युद्ध में भाग लिया था, वह कौन था? बीकानेर का शासक कल्याणमल था। बीकानेर के शासक कल्याणमल जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1570 ईस्वी के अंदर नागौर दरबार में। बीकानेर के शासक कल्याणमल जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी की सहायता की थी, वह कौन था? बीकानेर का शासक कल्याणमल था। तो ये इतनी बातें याद रखना कल्याणमल के बारे में। और कल्याणमल के दो पुत्र, एक का नाम राय सिंह और एक का नाम पृथ्वीराज राठौर, तो इन्होंने राय सिंह और अपने दूसरा पुत्र पृथ्वीराज राठौर, इन दोनों पुत्रों को मुगल सेवा में भेज दिया था 1570 ईस्वी के अंदर। और राव बीका जिसने बीकानेर की स्थापना की थी, राव बीका ये जोधपुर के राजा राव जोधा का पुत्र था। कौन? राव बीका, जिसने बीकानेर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के महाराजा राज सिंह गद्दी पर कब बैठा? 1612। तो इसका राइट आंसर होगा 1574 ईस्वी के अंदर बीकानेर के राय सिंह गद्दी पर बैठा था, और 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल मिलता है। किसका? बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर का राय सिंह जो अकबर और जहांगीर इन दोनों की मनसबदारी के अंदर सेवा की थी। अकबर के द्वारा बीकानेर के राय सिंह को 4000 की मनसबदारी दी गई थी, और जहांगीर के समय इनकी मनसबदारी के अंदर बढ़ाकर 5000 कर दिया था। तो हम कह सकते हैं कि अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन था बीकानेर के राय सिंह, जिन्होंने दो मुगल बादशाहों का सेवा की थी। और अकबर के द्वारा इसे
4000 की मनसबदारी दी गई थी और जहांगीर के द्वारा इसे 5000 की मनसबदारी दी गई थी, यानी कि जहांगीर के समय इनकी मनसबदारी के अंदर वृद्धि की गई थी। लेकिन जब हमने आमेर का इतिहास पढ़ा था कि मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी, लेकिन अकबर के द्वारा उनकी मनसबदारी के अंदर वृद्धि की गई थी, लेकिन जब जहांगीर का शासन काल आया था तो मिर्जा राजा मानसिंह की शासन यानी कि उनकी मनसबदारी के अंदर कमी की थी। लेकिन बीकानेर के राय सिंह को जहांगीर के समय इनकी मनसबदारी के अंदर वृद्धि की गई थी। अगला क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के राय सिंह, जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। अब अकबर की सेवा में रहते हुए बीकानेर के राय सिंह के द्वारा कौन कौन से अभियान पर गया था, कहां कहां की सुबेदारी इसे दी गई थी बीकानेर के राय सिंह को, और इसके अलावा अकबर के द्वारा बीकानेर के राय सिंह को कितनी मनसबदारी दी गई थी, इसके अलावा कौन कौन सी उपाधियां बीकानेर के राय सिंह को दी गई थी, इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दूंगा। अकबर के द्वारा इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कब किया, अर्थात बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार कब नियुक्त किया? तो 1572 से लेकर 1574 ईस्वी तक, यानी कि 3 वर्षों तक जोधपुर का सूबेदार रहा था कौन? बीकानेर का राय सिंह रहा था। और बीकानेर की सूबेदारी किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसको? बीकानेर के राय सिंह को। कब से कब तक? 1572 से लेकर 1574 ईस्वी तक। इसके बाद जब अकबर गुजरात अभियान के दौरान, यानी कि जब गुजरात अभियान जा रहा था 1573 ईस्वी के अंदर, उस समय अकबर के साथ कौन गया था? बीकानेर के राय सिंह गया था। और गुजरात के मिर्जा बंधुओं को हराया था किसने? बीकानेर के राय सिंह ने हराया था। तो ये गुजरात अभियान के, यानी कि ये गुजरात अभियान के अंदर भी गया था कौन? बीकानेर के राय सिंह। इसके अलावा बीकानेर के राय सिंह जो 1581 ईस्वी के अंदर मिर्जा राजा मानसिंह के साथ काबुल अभियान के लिए भी गया था, काबुल अभियान के लिए बीकानेर के राय सिंह 1581 ईस्वी के अंदर गया था। इसके अलावा बलूचिस्तान अभियान के लिए भी बीकानेर के राय सिंह गया था। इसके अलावा 1591 ईस्वी के अंदर, 1591 ईस्वी के अंदर अकबर के द्वारा इसे कंधार अभियान के लिए भेजा था 1591 ईस्वी के अंदर, और उसके बाद में 1593 ईस्वी के अंदर अकबर के द्वारा इसे ठड्डा अभियान के लिए भी भेजा था। तो इसका मतलब बीकानेर का राय सिंह जो गुजरात अभियान के लिए भी गया था, काबुल अभियान के लिए भी गया था, कंधार अभियान के लिए भी गया था, और ठड्डा अभियान के लिए भी गया था, और बलूचिस्तान अभियान के लिए भी गया था कौन? बीकानेर के राय सिंह। और इसे जोधपुर का सूबेदार कब नियुक्त किया था? 1572 से लेकर 1574 ईस्वी तक, 3 वर्षों तक। इसके अलावा इनके बीच में एक और घटना घटित हुई कि 1574 ईस्वी के अंदर, 1574 ईस्वी के अंदर अकबर के द्वारा बीकानेर के राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ एक अभियान भेजा था, लेकिन उस चंद्रसेन उस अभियान के अंदर असफल रहा था। और उसके बाद में 1577 ईस्वी के अंदर अकबर के द्वारा बीकानेर के राय सिंह को 51 प्रगणे दिए गए थे। कितने? 51 प्रगणे अकबर के द्वारा 1577 ईस्वी के अंदर बीकानेर के राय सिंह को दिए गए थे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। इसके अलावा बीकानेर के शासक राय सिंह को अकबर के द्वारा 4000 की मनसबदारी दी गई थी, और इसके अलावा अकबर के द्वारा 1604 ईस्वी के अंदर इसे शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई, और इसके अलावा राय की उपाधि दी गई थी बीकानेर के शासक राय सिंह को, अकबर के द्वारा राय की उपाधि दी गई थी और 1604 ईस्वी के अंदर शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई थी। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि अकबर के द्वारा कौन कौन से राजाओं की कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। एक तो बीकानेर के शासक राय सिंह को राय की उपाधि दी गई थी, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कल कि मारवाड़ के राठौड़ वंश एक मोटा राजा उदय सिंह, जिसे अकबर के द्वारा मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। एक मारवाड़ के सूर सिंह को अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा हमने आमेर का इतिहास पढ़ा था, उस समय मैंने बताया था कि अकबर के द्वारा मिर्जा राजा मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी, और इसके अलावा फर्जन की उपाधि दी गई थी, और इसके अलावा मिर्जा राजा मानसिंह के पिता भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। तो ये
उपाधियां याद रखना कि अकबर के द्वारा राजस्थान के या राजपूत राजाओं को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के शासक राज सिंह का शासन काल था, तो इसका राइट आंसर होगा 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक बीकानेर के राज सिंह का शासन काल था। और एक बात और याद रखना कि बीकानेर के राय सिंह ने सिरोही के सुल्तान खां और जालौर के ताज खां को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। तो यह भी आप याद रखना कि सिरोही के सुल्तान खां और जालौर के ताज खां को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। किसने? बीकानेर के शासक राय सिंह ने। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसबदारी प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 5000। कितनी? 5000। अगर पूछे कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बीकानेर के राय सिंह को कितनी मनसबदारी प्रदान की गई, तो आपका आंसर होगा 4000 और जहांगीर के द्वारा 5000। अर्थात राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ी एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। पहला, राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी, बिल्कुल सही है। जहांगीर के द्वारा 1605 ईस्वी के अंदर बीकानेर के राय सिंह को 5000 की मनसबदारी दी गई थी। कब दी गई थी? 1605 ईस्वी के अंदर। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था, बिल्कुल। सलीम मतलब जहांगीर ने जब 1603 ईस्वी में मेवाड़ अभियान के दौरान गया था, उस समय बीकानेर के राय सिंह ने उनका साथ दिया था। इसका मतलब दोनों ही कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसने 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेनाओं के साथ भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के राय सिंह को। इसका राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा था? तो इसका राइट आंसर होता थड्डा अभियान के लिए भेजा गया था। कब भेजा? 1593 के अंदर। इसे गुजरात अभियान के लिए गया था। कब गया था? 1573 ईस्वी के अंदर। 1581 में कहां गया था? काबुल गया था। उसके बाद में बलूचिस्तान गया था। उसके बाद में ये 1591 ईस्वी के अंदर कंधार गया था। उसके बाद में 1593 में ये थड्डा अभियान के लिए भी गया था। और 1603 ईस्वी के अंदर सलीम जहांगीर के साथ मेवाड़ अभियान के लिए भी गया था। कौन? बीकानेर के राय सिंह। और उसके बाद में 1612 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती। कब होती है? 1612 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर यानी कि दक्षिण भारत के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? बंगाल अभियान के लिए ये शामिल नहीं था। काबुल के लिए गया था, बलूचिस्तान के लिए गया था, कंधार के लिए गया था, गुजरात अभियान के दौरान गया था, लेकिन बंगाल अभियान के अंदर इसने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह को दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के राय सिंह ने बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह को दबाने के लिए गया था। इसके अलावा ये 1581 में काबुल अभियान के लिए गया था। इसके अलावा 1591 में ये कंधार गया था। इसके अलावा ये बलूचिस्तान गया था। इसके अलावा 1593 ईस्वी में ये थड्डा अभियान के लिए गया था। और इसके अलावा ये सिरोही के सुल्तान खां और जालौर के ताज खां को भी हराया था इसने। और इसके अलावा 1593 ईस्वी के अंदर गुजरात के अंदर मिर्जा बंधुओं को भी बीकानेर के राय सिंह ने हराया था। इसके अलावा बीकानेर के राय सिंह को अकबर के द्वारा 1604 ईस्वी के अंदर इसे नूरपुर यानी कि इसे शमशाबाद व नूरपुर की जागीर दी गई थी। और इसके अलावा अकबर के द्वारा इसे बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा अकबर के द्वारा 1577 ईस्वी के अंदर इसे 51 परगने दिए गए थे, यह भी याद रखना। तो अकबर के द्वारा
बीकानेर के राय सिंह को 1577 ईस्वी के अंदर कितने प्रगने दिए गए, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपका आंसर होगा 51 प्रगने दिए गए। इसके अलावा 1604 ईस्वी के अंदर बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि दी गई थी, और इसके अलावा शमशाबाद व नूरपुर की जागीर प्रदान की गई थी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, और अकबर के समय बीकानेर के राय सिंह को 4000 की मनसबदारी दी गई थी, और इसके अलावा अकबर के समय ये कौन कौन से अभियान पर गया था ये भी बात याद रखना, और अकबर के द्वारा इसे 1572 से लेकर 1574 ईस्वी तक जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया था, ये इतनी बातें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया, तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के राय सिंह को, और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर के राय सिंह जोधपुर का कितने वर्षों तक सूबेदार रहा था, आपका आंसर होगा 3 वर्षों तक, 1572-73 और 1574 तक रहा था, यानी 3 वर्षों तक रहा था। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया था, तो ये मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा बीकानेर के राय सिंह को राजपुताने का करण कहा गया था, और उसी तरह कलयुग का करण बीकानेर के शासक लूणकरण सर को कहा गया था, और ये किसके द्वारा कहा गया था, तो बिट्टू सूजा के द्वारा कहा गया था, यानी कि ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, राज सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा, तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया था, और बिट्टू सूजा के द्वारा कलयुग का करण लूणकरण को कहा गया था, लूणकरण को कहा गया था। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई, तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के शासक राय सिंह, बीकानेर के शासक राय सिंह को दी गई थी, इसका राइट आंसर होगा राय सिंह, यानी कि इसे कब दी गई थी ये भी बात प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर के द्वारा बीकानेर के शासक राय सिंह को 1604 ईस्वी के अंदर इसे शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई थी और उसे राय की उपाधि दी गई थी, इसको राय सिंह को। इसके अलावा अकबर के द्वारा किस किस को उपाधि की, मोटा राजा उदय सिंह जो कि मारवाड़ का शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी नागौर दरबार के अंदर 1570 ईस्वी के अंदर, उसके बाद में उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी, और इस उदय सिंह का पुत्र सूर सिंह जिसने अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई थी, और इसके अलावा आमेर के शासक भगवान दास को अकबर के द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी, इसके अलावा अकबर के द्वारा आमेर के शासक मिर्जा राजा मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी, और इसके अलावा फज्जन की उपाधि दी गई थी, इनकी बेटे के समान कहा गया था। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीकानेर के राय सिंह जिनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सीधा सीधा, यानी कि बीकानेर के राय सिंह के द्वारा एक राय सिंह महोत्सव नामक पुस्तक की रचना की गई थी, किसकी, राय सिंह महोत्सव नामक पुस्तक की रचना बीकानेर के राय सिंह के द्वारा की गई थी। इसके अलावा वेदक वंशावली की रचना बीकानेर के राय सिंह के द्वारा की गई थी, और इसके अलावा बाल बोधनी नामक पुस्तक की रचना बीकानेर के राय सिंह के द्वारा की गई थी, और इसके अलावा ज्योतिष रतनमाला नामक पुस्तक की रचना बीकानेर के राय सिंह के द्वारा की गई थी। तो बीकानेर के राय सिंह के द्वारा कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई थी, एक का नाम है राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी और ज्योतिष रतनवाला, ये चार पुस्तकों की, इन चार पुस्तकों की रचना बीकानेर के राय सिंह के द्वारा की गई थी। इसके अलावा बीकानेर के राय सिंह के दरबारी विद्वान था कौन, जय सोम जिसके द्वारा क्रमचंद वंशोम कीर्तम काव्यम नामक पुस्तक की रचना की गई थी, और इस पुस्तक के अंदर बीकानेर के राय सिंह को राजेंद्र कहा गया, बीकानेर के राय सिंह को राजेंद्र कहा गया था, कौन सी पुस्तक, क्रमचंद वंशोम कीर्तम काव्यम नामक पुस्तक के अंदर बीकानेर के राय सिंह को राजेंद्र कहा गया, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, जय सोम के द्वारा लिखी गई थी, और इनकी मृत्यु हुई थी 1612 ईस्वी के अंदर बुरानपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, बीकानेर शासक करण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, जहांगीर या सांझा या औरंगजेब, तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के करण सिंह जो सांझा और औरंगजेब के समकालीन थे,
औरंगजेब के द्वारा बीकानेर के शासक करण सिंह को जंगल दर बादशाह की उपाधि दी गई थी और ये सांझा और औरंगजेब के समकालीन थे। मैं आपको बता दूं कि इसका शासनकाल, करण सिंह का शासनकाल 1631 से लेकर 1669 ईस्वी तक बीकानेर के शासक करण सिंह का शासनकाल था। इन्होंने 1644 ईस्वी के अंदर नागौर के अमर सिंह को मतिरे की राड़ नामक युद्ध के अंदर हराया था। कब? 1644 ईस्वी के अंदर बीकानेर के अमर सिंह को मतिरे की राड़ के लिए युद्ध हुआ था, उसके लिए बीकानेर के करण सिंह ने नागौर के अमर सिंह को हराया था। कब? 1644 ईस्वी के अंदर। और ये करण सिंह के द्वारा साहित्य कलप द्रम नामक पुस्तक की रचना बीकानेर के करण सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार जीएस ओझा के अनुसार मतिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1644 ईस्वी के अंदर मतिरे की राड़ नामक युद्ध लड़ा गया था। एक तरफ बीकानेर के शासक करण सिंह और दूसरी तरफ नागौर के शासक अमर सिंह राठौर थे। इन दोनों के मध्य मतिरे की राड़ के लिए नामक युद्ध होता है 1644 ईस्वी के अंदर और इसके अंदर बीकानेर के शासक करण सिंह जीत जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीर की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के शासक अनूप सिंह को। बीकानेर के शासक अनूप सिंह को, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर होगा माही मरातीर की उपाधि दी गई थी बीकानेर के शासक अनूप सिंह को। यानी कि जब अनूप सिंह ने दक्षिण भारत जीतने के बाद औरंगजेब ने उसे माही मरातीर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने बीकानेर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने करवाया था। और अगर पूछे कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है, तो आपका आंसर होगा मंडोर जोधपुर के अंदर, जिसका निर्माण जोधपुर के राजा अभय सिंह ने करवाया था। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो कि बीकानेर के अंदर है, जिसका निर्माण बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने करवाया था। और इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि बीकानेर के शासक अनूप सिंह के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। इनके द्वारा अनूप विवेक नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इनके द्वारा काम प्रबोध नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इनके द्वारा प्रयोग चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और इनके द्वारा अनूप उदय नाम की पुस्तक की रचना अनूप सिंह के द्वारा की गई थी। एक अनूप विवेक, एक अनूप उदय और एक काम प्रबोध, और इसके अलावा प्रयोग चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना अनूप सिंह के द्वारा की गई थी। और इनके दरबार के अंदर एक विद्वान था जिसका नाम था भाव भट्ट। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार, तो इसका राइट आंसर होगा पंडित भाव भट्ट, जो कि बीकानेर के अनूप सिंह के दरबारी विद्वान पंडित भाव भट्ट, जिसके द्वारा अनूप विलास संगीत ग्रंथ की रचना की गई थी। इनके द्वारा अनूप विलास संगीत ग्रंथ की रचना की गई थी। इनके द्वारा अनूप संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और इनके द्वारा संगीत अनूप अंकुश नामक पुस्तक की रचना पंडित भाव भट्ट के द्वारा की गई थी। तो इनके द्वारा तीन पुस्तकें लिखी गई थी, एक का नाम संगीत अनूप अंकुश पुस्तक की रचना, इसके अलावा अनूप संगीत विलास पुस्तक की रचना, इसके अलावा अनूप संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक की रचना अनूप सिंह के दरबारी विद्वान भाव भट्ट के द्वारा की गई थी। तो इनके द्वारा तीन पुस्तकें लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा भाव भट्ट, जिसके द्वारा तीन पुस्तकें लिखी गई थी और वह बीकानेर के शासक अनूप सिंह के नाम पर रखा गया। तीन पुस्तकें कौन कौन सी? संगीत अनूप अंकुश नामक पुस्तक, इसके अलावा अनूप संगीत विलास, इसके अलावा अनूप संगीत रत्नाकर नामक तीन पुस्तक लिखी गई थी भाव भट्ट के द्वारा, जो बीकानेर के शासक अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर का शासक महाराजा शार्दुल सिंह था। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर। अगला क्वेश्चन,
मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों के द्वारा पराजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी 1680 ईस्वी के अंदर देवारी का युद्ध होता है, यानी कि देवारी उदयपुर के अंदर है, उसके अंदर मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों के द्वारा हार जाती है, और उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब था, यानी कि औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को हरा दिया जाता है 25 जनवरी 1680 ईस्वी के अंदर देवारी का युद्ध होता है, और ये देवारी कहां है? उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। पहला कथन, महाराजा गंगा सिंह ने नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल प्रथम चांसलर रहे थे नरेंद्र मंडल, जिसकी स्थापना 1921 ईस्वी के अंदर की गई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा, 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, बिल्कुल 1930 और 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उन दोनों के अंदर इन्होंने भाग लिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। तीसरा है कि उन्होंने शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ किए थे, ये कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और चौथा है कि 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, बिल्कुल चौथा कथन सही है, बीकानेर के अंदर उन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, इसका मतलब चौथा भी कथन सही है। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें राजपुताने का भागीरथ और आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। अगला क्वेश्चन, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैंबर ऑफ प्रेसेंस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई, और इस चैंबर ऑफ प्रेसेंस के प्रथम चांसलर कौन थे? तो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह, जो नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर रहे थे, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका राइट आंसर होगा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन, चैंबर ऑफ प्रेसेंस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जिसकी स्थापना 1921 ईस्वी के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन, हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये 25 जनवरी 1557 ईस्वी के अंदर हरमाड़ा का युद्ध होता है, और इसमें एक तरफ शेरशाह सूरी का सेनापति हाजी खां और एक तरफ मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध होता है 25 जनवरी 1557 ईस्वी के अंदर। इसके अंदर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह हार जाते हैं और हाजी खां जीत जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा राव सिंह, राव सिंह के बाद में राव अस्थाना बनते हैं, उसके बाद में राव धुवड़ बनते हैं, उसके बाद में राव रायपाल बनते हैं, इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, ये इसका सही क्रम है, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। आज का अंतिम क्वेश्चन, मारवाड़ के शाही घराने से संबंधित एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट सांझा के दरबार में कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अमर सिंह राठौड़, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, क्लास को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबका धन्यवाद।